इक्वेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस जहाँ तक है तो अभी तक पढ़ाए गए दोनों चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। काफ़ी कुछ आप 9th-10th में पढ़कर आते हो इसमें, बट बहुत सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में अभी इस साल इंक्लूड करेंगे, इस साल ऐड करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में ही बहुत सारे एडिशंस हो जाएंगे। तो आज का मेरा पूरा लेक्चर आपका 9th और 10th में जो पढ़ा हुआ है ना, उसी को लेते हुए कुछ और एडिशनल नोट्स पर जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी पहले हम इन जनरल बात करेंगे कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि देखो जब तक पॉलिनोमियल आपको नहीं पता है तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात नहीं कर सकती। और जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दूंगी तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाऊंगी। फिर वही डिस्क्रिमिनेंट, नेगेटिव, पॉजिटिव और बहुत सारी बातें होगी। बट स्टार्टिंग हमारी होगी विद पॉलिनोमियल। तो आप हेडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालने के बाद 1, 2, 3 पॉइंट्स करके लिखते जाइएगा, जिसमें आज मैं सबसे पहली डेफिनेशन जो इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो है पॉलिनोमियल्स। तो हेडिंग डालेंगे पॉलिनोमियल्स, हेडिंग डाल दीजिए पॉलिनोमियल्स, और लिखेंगे सबसे पहले एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, an expression of the type, an expression of the type y is equals to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on up to an x power n and so on up to an x power n is called a polynomial of degree n, is called a polynomial of degree n. It is called a polynomial of degree n. It is called a polynomial of degree n provided ai belongs to R, ai इसका मतलब समझ रहे हो आप? ai इसका मतलब है a1, a2, a3, a0 से लेकर an। ठीक है, i की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखते जाओ, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स तैयार होते जाएंगे। ठीक है, तो ai इसका मतलब ऑल दी कोफिशिएंट्स आर रियल। सेकेंड कंडीशन, n बिलोंग्स टू होल नंबर, n होल नंबर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है n must be a whole number. And third, an is not equals to 0. an must not be 0. अब मैं हर एक कंडीशन आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट पहले हमने डेफिनेशन पूरी लिखनी है, इसलिए मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। किसी ने अगर नहीं लिखा है तो नोट डाउन कर लेना। मैंने आपसे कहा है कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हम क्या लिख रहे हैं कि इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप y is equals to right side a0 plus a1x and so on। ये पर्टिकुलर फॉर्म होनी चाहिए जिसमें जितने भी कोफिशिएंट्स लिखे गए हैं वो क्या होने चाहिए? रियल। ऑल द कोफिशिएंट्स मस्ट बी रियल, सारे कोफिशिएंट्स रियल होंगे। दूसरी बात, n होल नंबर होगा। n का मतलब समझ रहे हो? डिग्री। जितनी डिग्री आपको x की नजर आ रही है ना, सारी की सारी डिग्री मस्ट बी होल नंबर। एंड तीसरा पॉइंट, an not equals to 0। हर एक कंडीशन को चेक करते हैं। फर्स्ट टू कंडीशंस डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, थर्ड कंडीशन इसलिए लगाई गई है क्योंकि मैंने इसे nth डिग्री का पॉलिनोमियल बोला है। ठीक है, हमने शायद यही लिखा है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n प्रोवाइडेड ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। सारे कोफिशिएंट्स रियल इसलिए कहे गए क्योंकि हम रियल नंबर सिस्टम में डील करते हैं, और इसीलिए ये जो कंडीशन है ना, ये रियल पॉलिनोमियल के लिए है। अगर मैं रियल यूज करती हूँ तो जस्ट पॉलिनोमियल के लिए तो इमेजिनरी कोफिशिएंट्स भी चलते, बट क्योंकि हम रियल नंबर सिस्टम में ही डील करेंगे तो फॉर पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल अगर मैंने बोला तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि हम रियल पॉलिनोमियल की बात करेंगे। मैं बार बार टर्म रियल पॉलिनोमियल नहीं इंट्रोड्यूस करूंगी। तो पॉलिनोमियल एम्प्लाइज रियल पॉलिनोमियल, इसीलिए सारे कोफिशिएंट्स का रियल होना जरूरी होगा। दूसरी बात, एन का होल नंबर होना जरूरी है। दैट इज इन केस अगर मैंने कहीं पर भी एक्स की डिग्री फ्रैक्शनल या फिर नेगेटिव इंटीजर रेज कर दी तो ऐसा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहा जाता है। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देती हूँ y is equals to x power minus 1 plus 1. So it is not a polynomial, although इसके coefficients real आ रहे थे, coefficients दोनों के 1, real coefficients, but ये polynomial क्यों नहीं है? Because of negative degree. अगर negative degree raise है या fractional degree raise है तो फिर आप उसे polynomial नहीं कह सकते. तो n का whole number होना जरूरी है, यानी degree can be 0 or it can be any positive integer. Degree can be 0 or it can be natural number. बोलो बात समझ में आई यहाँ तक? कोई भी दिक्कत? तीसरी कंडीशन an not equals to 0. तो जो मैंने इसे n डिग्री का पॉलिनोमियल बोला, कहीं अगर an ही 0 हो जाता तो डिग्री n कहाँ रहती? तो इसीलिए कंडीशन इम्पोज की गई कि an must not be 0. an 0 नहीं होना चाहिए. और ये बात समझ में? an कुछ भी हो सकता है, any real number except 0. डिग्री 2 बोलना चाहते हो या डिग्री 3 बोलना चाहते हो तो एटलीस्ट उसकी एक टर्म मौजूद तो हो. अगर वो टर्म ही नहीं है तो आप उसे डिग्री n नहीं बोल पाओगे. तो इसका रीजन तो सिर्फ इतना है कि ये डिग्री n पॉलिनोमियल बोला गया, दैट्स व्हाई an मस्ट नॉट बी 0. अदरवाइज पॉलिनोमियल के लिए क्या रिक्वायर्ड है? ai's मस्ट बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर्स होने चाहिए, एंड दूसरी बात होल नंबर डिग्री होनी चाहिए. दैट्स इट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x की पावर 1/3, क्या आप इसे पॉलिनोमियल कह पाओगे? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. क्यों? सारी डिग्री, सारे आपके पास कोफिशिएंट्स रियल थे, बट डिग्री अगर देखी जाए तो इट इज नॉट होल नंबर. ये 3 ठीक है, ये भी चलेगा, बट डिग्री 1/3 नॉट वैलिड. फिर मैं इसे पॉलिनोमियल नहीं, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. It is not a polynomial. मैंने आपसे पूछा y is equals to x power 5 plus x plus 1, क्या ये polynomial है? It is a polynomial क्योंकि सारे के सारे coefficients real, और जितनी x की terms हैं उन सभी का degree कैसा आया? मतलब whole number. तो ठीक है, आप इसे बोलोगे it is a polynomial of degree 5. ये 5th degree polynomial है. 5th degree का term मौजूद है, जो भी highest degree वो degree of polynomial है. क्या मैं इसे 6 डिग्री पॉलिनोमियल कह सकती हूँ? Obviously 6 डिग्री पॉलिनोमियल होता तो उसका कोफिशिएंट मस्ट नॉट बी 0. तो ये 5th डिग्री पॉलिनोमियल है, यानी जब भी पॉलिनोमियल आपको चेक करना है तो आप सिर्फ इतना चेक करते हैं कि कोफिशिएंट्स रियल हो और साथ में हर एक x का डिग्री मस्ट बी होल नंबर. बाकी उन्होंने डिग्री मेंशन कर रखी है कि ये 5वें डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हम स्पेशली ध्यान रखेंगे कि 5th डिग्री टर्म भी उसके अंदर होना चाहिए, तभी आप उसे क्या बोल पाओगे? 5th डिग्री पॉलिनोमियल. बोलो किसी को कन्फ्यूजन? कोई भी डाउट है यहाँ तक? ये एग्जाम्पल्स कोट करके रखो. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. एक और एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा, इज इट अ पॉलिनोमियल? ये रियल पॉलिनोमियल नहीं है, रियल कोफिशिएंट्स ही नहीं आ रहे, तो हमारे लिए तो पॉलिनोमियल में रियल कोफिशिएंट्स होने चाहिए, तब हम उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे. बोलो कोई दिक्कत? किसी को कन्फ्यूजन? ये सारे एग्जाम्पल्स कोट करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसे टिक कर देना, जो नहीं आ रहा उसे क्रॉस कर देना. इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो फॉर पॉलिनोमियल ऑल द कोफिशिएंट्स मस्ट बी रियल एंड एक्स की डिग्री मस्ट बी एन, मस्ट बी अ होल नंबर, एक नेचुरल नंबर या 0 डिग्री के साथ अगर एक्सप्रेशन रखा गया है, लिखा गया है, तो आप उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं. मुझे कोई दिक्कत? सही है? कर लिया नोट यहाँ तक? आगे लिखो. तो डिग्री तो नेगेटिव हो गई ना बच्चे, नेगेटिव डिग्री पर पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा. होल नंबर डिग्री का मतलब क्या होगा? इट मस्ट बी पॉजिटिव डिग्री. किसे? 1 + x/x. ठीक है, चलो मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू 1 + x + 1/x. क्या ये पॉलिनोमियल है? x डिनोमिनेटर में आना ही नहीं चाहिए, यही तो कहना चाह रहे हैं भाई. डिग्री नेगेटिव बोले या फिर कहीं कि x डिनोमिनेटर में आ जाए, इस 1 इन ना, तो अगर x डिनोमिनेटर में दिख गया तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये नहीं तो में डिनोमिनेटर में x नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो डिग्री पॉजिटिव बोलने का सीधा मतलब यही निकलता है कि वो कह रहे हैं नेगेटिव डिग्री नहीं होनी चाहिए. अब नेगेटिव डिग्री नहीं होनी चाहिए का मतलब क्या निकला? कि आपके पास 1/n करके x की टर्म डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए. तो इसे भी एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखो और क्रॉस करो. इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. यहाँ पे आपके पास x की डिग्री कहीं पर भी होल नंबर नहीं है। हम ऐसे थोड़ी ना करते हैं आधे टर्म की डिग्री फर्स्ट एंड सेकंड की डिग्री न्यूमरेटर में देख ली, थर्ड को डिनोमिनेटर में जाके बोल दिया हाँ अब इसकी डिग्री 1 है। आप जब पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री चेक करते हो तो कैसे चेक करते हो? पर टर्म की डिग्री पकड़ पकड़ के। मैं कहूँगी इस टर्म में x का डिग्री इज -1, तभी तो ये 1/1 करके लिखा गया। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक? किसी को कन्फ्यूजन? बढ़े आगे लिखिए, हियर an is equals to the leading coefficient। ये जो an है ना इसे कहा जाता है leading coefficient। Here an is equals to leading coefficient। an को leading coefficient कहा जाता है क्योंकि ये लीड करने वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है। लीड करने वाली टर्म कैसे? हाईएस्ट डिग्री की टर्म है तो हाईएस्ट डिग्री की टर्म को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल में, ठीक है। सिमिलरली a naught is equals to a naught को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। ये इस पूरे पॉलिनॉमियल का कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ x का टर्म ही नहीं आ रहा तो इट इज कांस्टेंट टर्म। a naught is called the constant term, a naught is called the constant term or the absolute term। a naught is called the constant term or the absolute term, ठीक है। ये सारे terms आपको पता होने चाहिए। Suppose मैंने किसी question में आपको पूछ लिया कि बताओ इस polynomial का absolute term क्या है, तो आप क्या पहचानोगे? इसका कांस्टेंट टर्म क्या है। तो एब्सोल्यूट टर्म इज द सेम एज कांस्टेंट टर्म। क्वेश्चन में पॉलिनॉमियल की कांस्टेंट टर्म पूछी जाए या उसकी एब्सोल्यूट टर्म, वो वन एंड द सेम थिंग होती है। तो एब्सोल्यूट टर्म इसकी कितनी आ गई? 1 आ गई। या फिर कहिए कांस्टेंट टर्म इसकी क्या है? 1 है। किसी को कन्फ्यूजन? कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक? अच्छा, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? इसका लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। कोफिशिएंट इज 1। आपको ये नहीं बताना है डिग्री क्या है। मैंने क्या पूछा? लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट यानी हाईएस्ट डिग्री की टर्म का कोफिशिएंट। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। भाई कुछ नहीं लिखा यानी 1 ही तो लिखा हुआ है। तो लीडिंग कोफिशिएंट इज 1 व्हाइल द कांस्टेंट टर्म और द एब्सोल्यूट टर्म इज अगेन 1। कोई कन्फ्यूजन? किसी को प्रॉब्लम? तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है कि हाईएस्ट डिग्री के टर्म को लीडिंग कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। एंड सिमिलरली आपके पास जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका ऑल्टरनेटिव नेम या फिर कहिए कि इसे और क्या कहा जा सकता है? एब्सोल्यूट टर्म। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं कुछ और टर्म्स आपको इसी में बताऊंगी। यानी अब मैं आपको बताऊंगी कि पॉलिनॉमियल को बाइनॉमियल या पर्टिकुलरली मोनोमियल या ट्राइनॉमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या क्यूबिक पॉलिनॉमियल कब कहा जाता है, ठीक है। करें स्टार्ट। यानी ये जो पॉलिनॉमियल है ना, इस पॉलिनॉमियल को बेसिकली मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। एक कैटेगरी होगी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल और सेकेंड कैटेगरी होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स में डिग्री से मुझे कोई लेना देना नहीं होगा और अगर मैं डिग्री की बात करूंगी तो नंबर ऑफ टर्म्स से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। लिखिए पॉलिनॉमियल्स एक बार मैं लिखता हूँ फिर कुछ। पॉलिनॉमियल्स कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू Polynomials can be categorized according to अब लिखो first the number of terms। First is the number of terms and second degree of the polynomial। Polynomials can be categorized according to the number of terms and second the degree of the polynomial। तो पहले ऐसा करते हैं हम according to the number of terms इसका categorization लिखते हैं, फिर मैं according to degree इसको divide करती जाऊँगी, ठीक है। तो start करते हैं with first। सबसे पहले आप ऐसे column बना लो। इनफेक्ट एक column में हम according to number of terms लिखेंगे, according to number of terms। और जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। the degree of polynomial. ठीक है, करें स्टार्ट पहला कॉलम। फर्स्ट कॉलम में मैं स्टार्ट करती हूँ y इज इक्वल्स टू 5। मुझे बताओ क्या ये पॉलिनॉमियल है? क्या मैं y इक्वल्स टू 5 को पॉलिनॉमियल कह सकती हूँ? अगर पॉलिनॉमियल कह सकती हूँ तो डिग्री क्या है? ठीक है, कितनी टर्म्स है? 1। किसी भी पॉलिनॉमियल में अगर नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ 1 हो तो उसके लिए स्पेशल नाम होता है मोनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं वो है मोनोमियल। पहले कॉलम का फर्स्ट पॉइंट इज मोनोमियल। फर्स्ट पॉइंट मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन डिफरेंट टर्म। लिखो, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन डिफरेंट टर्म। अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन डिफरेंट टर्म। ठीक है, जिसका सिर्फ एक ही डिफरेंट टर्म हो उसे मोनोमियल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, या फिर मैंने लिख लिया y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्या ये मोनोमियल है? डिग्री से तो लेना देना है ही नहीं ना, आपको तो सिर्फ ये देखना है क्या सिंगल टर्म है। हाँ ठीक है, तो फिर इट इज अ मोनोमियल। मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मोनोमियल। तो एग्जाम्पल्स कोट करके रखो, सिर्फ एक ही डिफरेंट टर्म तो आप उसे मोनोमियल कहोगे। ठीक है, डिफरेंट टर्म्स एक ही होनी चाहिए, तो इन दैट केस पॉलिनोमियल विल बी मोनोमियल। कोई दिक्कत? सेकेंड पॉइंट बाइनोमियल। सेकेंड पॉइंट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब हैविंग टू डिफरेंट टर्म्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में दो डिफरेंट टर्म्स है तो फिर वो बाइनोमियल है। लिख लो, polynomial having two different terms. Polynomial having two different terms. For example, मैंने लिख लिया y is equals to x power 7 plus 1। क्या ये बाइनोमियल? दो डिफरेंट टर्म, एक कांस्टेंट टर्म और एक डिग्री 7 का टर्म, तो इट इज अ बाइनोमियल। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, y is equals to x square plus x। ठीक है, इट इज अ बाइनोमियल। दो डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए बस, तो ये दो डिफरेंट टर्म्स, इट इज अ बाइनोमियल। डिग्री से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ। तीसरा टर्म लिखोगे ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, अब आता है ट्राइनोमियल। थर्ड इज ट्राइनोमियल। थर्ड इज ट्राइनोमियल। लेकिन ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब हैविंग 3 डिफरेंट टर्म्स। लिख लो, पॉलिनोमियल हैविंग 3 डिफरेंट टर्म्स। पॉलिनोमियल हैविंग 3 डिफरेंट टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या ये ट्राइनोमियल है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 डिफरेंट टर्म्स हो उसे ट्राइनोमियल कहा जाता है। तो ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। या फिर y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 7 प्लस एक्स पावर 5 प्लस 7। क्या ये ट्राइनोमियल है? पॉलिनोमियल जिसमें 3 डिफरेंट टर्म्स, उसे क्या कहोगे? ट्राइनोमियल। तो ये आपके पास ट्राइनोमियल आ गया। किसी को कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट? ठीक है, तो पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम करते हैं तो वो मोनोमियल हो सकता है हैविंग ओनली वन टर्म, बाइनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स। अब अगर इससे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो फिर हम उसे पॉलिनोमियल ही बोलेंगे या मल्टीनोमियल बोल देंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बोल दिया जाएगा और चलते जाएंगे। बढ़िया, आगे ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स था। अब मैं इसी तरह पॉलिनोमियल के लिए आपको कुछ और टर्म्स इंट्रोड्यूस करूँगी जो अकॉर्डिंग टू डिग्री होगी। उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के स्पेशल नाम रखे गए हैं, तो वो हम लिखना शुरू करते हैं। लिखो, तो सेकेंड कॉलम हम स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉइंट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फर्स्ट टर्म कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? बिल्कुल ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जीरो होगा. फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू 7 is a constant polynomial. Y equals to 7 is a constant polynomial. That is a polynomial of degree 0. A polynomial of degree 0. तो constant polynomial क्या होगा? Polynomial जिसका degree कितना आ जाएगा? 0 के बराबर. कोई confusion? कोई भी problem? ठीक है. Second लिखो linear polynomial. क्या हमें पता है linear polynomials क्या होते हैं? बिल्कुल ठीक. तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए लिखोगे अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1. अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो तो आप उसे कहते हो लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल कहा जा सकता है? लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 8 यानी जिसकी भी डिग्री 1 है वो सारे पॉलिनोमियल्स लीनियर होंगे. क्या आप मुझे बता सकते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म क्या लिखा जा सकता है? ax प्लस b. बिल्कुल ठीक. लीनियर पॉलिनोमियल कैन बी टेकन एज y इज इक्वल्स टू ax प्लस b. और लीनियर पॉलिनोमियल कैन बी टेकन एज y इज इक्वल्स टू ax प्लस b. ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार सवाल ऐसे आ जाता है, चलो कंसिडर लीनियर पॉलिनोमियल, आगे का सवाल सॉल्व करो, तो पहले लीनियर पॉलिनोमियल लिखना भी तो आना चाहिए. अब लीनियर पॉलिनोमियल समझ में ही नहीं आ रहा क्या लें, पता चला एक एग्जाम्पल लेकर सवाल सॉल्व करते जा रहे हैं. ठीक है, तो इन जनरल लीनियर पॉलिनोमियल कैन बी टेकन एज ax प्लस b. किसी को दिक्कत? जहाँ a कैसा होना चाहिए? नॉन ज़ीरो. सोचो a ज़ीरो गया तो लीनियर ही नहीं बचेगा ना, इसलिए a मस्ट बी नॉन ज़ीरो. मगर क्या b पर कोई कंडीशन है? सिर्फ रियल नंबर और कोई कंडीशन नहीं. b कैन बी एनी रियल नंबर, b कैन बी एनी रियल नंबर, यानी क्या b जीरो हो सकता है? क्या y इज इक्वल्स टू 7x एक लीनियर पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है. इट इज अगेन अ लीनियर पॉलिनोमियल, बट ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, इसका कांस्टेंट टर्म जीरो है और इसीलिए इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक और स्पेशल नाम है. ठीक है, वो स्पेशल नाम आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना है. रीजन क्या है वो तो अभी मैं डिस्कस भी नहीं करूंगी, ठीक है, फिर वो ट्रैक के बाहर जाएगा, इसलिए हम रीजन नहीं डिस्कस करेंगे. बट हाँ, आगे चलकर वो आप पूछोगे भी नहीं क्योंकि आप खुद ही पढ़ लोगे कि क्या रीजन है कि उस पर्टिकुलर नाम इस पॉलिनोमियल को दिया गया है. करें कंटिन्यू. लिखो, लिखेंगे y इज इक्वल्स टू ax प्लस b लिख दिया ना हमने, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b लिखे. हियर इफ b बिकम्स जीरो, हियर इफ b बिकम्स जीरो, then the polynomial becomes y is equals to ax. Here if b becomes 0, then polynomial becomes y is equals to ax, where a is not equals to 0. If b becomes 0, then the polynomial becomes y is equals to ax, where a is not equals to 0, and this polynomial is called although linear polynomial है, but specially it is odd linear polynomial. This is called odd linear polynomial. Linear polynomial में तो दिक्कत है ही नहीं. मैंने एक नया term odd इसलिए add किया है क्योंकि आगे चलकर आप पढ़ोगे कि odd function होता है. अब क्या odd function होता है उसके बारे में अभी कुछ नहीं डिस्कस करना हमें, हमें सिर्फ नाम याद रखना है कि अगर constant केस में जीरो आ गई तो इन दैट केस आप इस पॉलिनोमियल को क्या बोलोगे? ऑड लीनियर पॉलिनोमियल. खैर आप इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हो तो भी कोई बुरा नहीं मानेगा, बट हाँ, इन केस मैंने आपको ऑड लीनियर पॉलिनोमियल लिखकर दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा? एक ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल जिसका कांस्टेंट टर्म इज जीरो. बोलो, बात समझ में आ रही है? आता तो फिर से एग्जाम में आ सकता है कि कंसिडर एन ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, तो इन दैट केस आप पॉलिनोमियल क्या लोगे? ax. पता है कि b इज जीरो, मुझे इनडायरेक्टली b का वैल्यू जीरो प्रोवाइडेड है, तो आप सिर्फ ax लेकर अपना सवाल आगे चला लो. पूरी बात समझ में आई? किसी को दिक्कत? कोई भी कन्फ्यूजन? अगला पॉइंट, डिग्री जीरो का पॉलिनोमियल कांस्टेंट होता है, डिग्री वन का पॉलिनोमियल लीनियर होता है, डिग्री टू का क्वाड्रेटिक, जिस पर पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो इसलिए इसे कॉलम में लिखेंगे ही नहीं, इसके लिए तो प्रॉपर हेडिंग आएगी. डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को क्यूबिक। तो अब लिखो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक हमने किया है क्योंकि पूरा चैप्टर उसी पर ही पढ़ना है, तो एक प्रॉपर हेडिंग के साथ लिखेंगे उसे बाद में। अभी आप लिखोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 अगर है तो बताइए डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को इन जनरल आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बाकी खैर मुझे ये बताओ कि ये तो हुई जनरल फॉर्म की बात कि कभी किसी ने कहा चलो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखो तो हम लिख देंगे ऐसे और स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना। बट इन केस आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ आ जाता है एक्स क्यूब प्लस 5, तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा? यहाँ सिर्फ डिग्री देखनी है, अगर डिग्री 3 तो दैट पॉलिनोमियल विल बी क्यूबिक। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। किसी को कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक? किसका जनरल फॉर्म? क्यूबिक का मतलब हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए, डिग्री 2 भी हो सकती है, डिग्री 1 भी हो सकती है, डिग्री 0 भी हो सकती है। उसके अलावा तो और कोई डिग्री पॉसिबल ही नहीं। बोल बड़े आगे और कोई दिक्कत? चले डिग्री 3 के पॉलिनोमियल के बाद अब मैं बात करूंगी डिग्री 4 का पॉलिनोमियल, जैसे क्या कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। तो नेक्स्ट फॉर्म लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी डिग्री 4 का एक्सप्रेशन, तो इन जनरल आप डिग्री 4 के एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो? यानी स्टार्ट करोगे हाईएस्ट डिग्री x पावर 4 से, अब एक एक डिग्री कम करते जाओ जब तक कि कांस्टेंट टर्म नहीं आती। तो ax पावर 4 फिर लिख दिया b x क्यूब सी एक्स स्क्वायर और प्लस e। अब अंडरस्टूड है कि a कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। ए नॉन जीरो होना चाहिए सो दैट आप इसे डिग्री 4 तो बोलोगे। तो ये जनरल फॉर्म होता है किसी भी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बाकी क्या ठीक है, अगर कहीं सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 लिखा हुआ आ जाए तो क्या मैं इसे बाय क्वाड्रेटिक बोल सकती हूँ? इट विल बी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी कन्फ्यूजन, किसी को दिक्कत, कोई भी डाउट? बट इसके यहाँ डिग्री 5, 6, 7 बहुत सारे हैं, बट उन सब के लिए अब हम बोल देते हैं हायर डिग्री पॉलिनोमियल, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि कोई चैप्टर इस पर तो है नहीं कि हर डिग्री के लिए इक्वेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन का नाम लिखते चले जाओ। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो टर्म्स यूटिलाइज की जा सकती है, बस हम वहीं तक पढ़ते हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी डिग्री 4 का पॉलिनोमियल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस पूरे कॉलम को जब लिख लिया ना, लाइन बना दो, मतलब पूरा खत्म कर दो कॉलम, और लाइन बनाने के बाद एक स्टार मार्क करके स्पेशल नोट लिखो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? स्टार मार्क करके नीचे एक नोट लिखेंगे MONIC मोनिक, MONIC MONIC मोनिक पॉलिनोमियल, MONIC मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो मर्जी हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, मगर उसकी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी 1। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो आप उसे मोनिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, लिखो अ पॉलिनोमियल हुज लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, अ पॉलिनोमियल हुज लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है उसे कहा जाता है मोनिक पॉलिनोमियल। इसे मैंने कहीं पर भी डिग्री नहीं मेंशन की और ना ही मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को मेंशन किया है। यानी मुझे बताओ क्या ये मोनिक पॉलिनोमियल है? बाय क्वाड्रेटिक मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। इनफैक्ट मैंने शायद जितने एग्जांपल्स लिखे वो सब के सब मोनिक पॉलिनोमियल्स ही हैं, चाहे वो 4 टर्म्स लिखी हुई हो या 3 टर्म्स हो या डिग्री 4 का टर्म हो या डिग्री 1 का टर्म हो। सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हमने बोले सब कैसे मोनिक पॉलिनॉमियल। ये टर्म भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एग्जाम में आ जाती है अचानक से, तो इसका कोई मोनोमियल से लेना देना नहीं है। मोनिक का मतलब होगा लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी 1। किसी को कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, तो अब हम आएंगे पर्टिकुलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पर। यानी हमने ये देख लिया कि व्हाट इज अ पॉलिनॉमियल, बेसिक डेफिनेशन, उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन सब हमने पढ़ ली। ट्राइनॉमियल, बाइनॉमियल, मोनोमियल, डिग्री 4, क्यूबिक, सब कुछ देख लिया। अब मैं पर्टिकुलरली इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पर जा रही हूँ। ठीक है, तो अब आप सेकेंड हेडिंग डाल दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कर दूँ मैं इसे रब? कुछ पूछना तो नहीं है किसी को भी? ठीक है, तो मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, फिर हम अगले हेडिंग दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पर चलेंगे। चलो, तो करें स्टार्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। लिखे अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनॉमियल of degree 2 in one variable, a polynomial of degree 2 in one variable of the type, a polynomial of degree 2 in one variable of the type y is equals to ax square plus bx plus C, where A is not equals to 0 and ABC belongs to R. A polynomial of degree 2 in one variable of the type y is equals to ax square plus bx plus c, where A is not equals to 0 and ABC belongs to R is called quadratic polynomial. तो अब इसको और लिखने की जरूरत नहीं है, वो हेडिंग इतनी बड़ी बड़ी हमें बता ही रही है कि हमने किसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यानी वही पॉलिनॉमिल्स वाली बात है, बस डिग्री 2 का एक्सपेरिमेंट चाहिए, साथ में ऑब्वियसली ए नॉन जीरो, लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, नहीं तो डिग्री 2 नहीं बचेगा। रियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में डील कर रहे हैं, इसीलिए आपके पास एबीसी क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। हियर ए इज कॉल्ड, वापस लिख लो, द लीडिंग कोफिशिएंट। Here A is called the leading coefficient and C is called the absolute term, लिख लिया? चलो, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हम एबीसी कोफिशिएंट्स लिखते हैं ना, इन एबीसी कोफिशिएंट्स का सिग्निफिकेंस क्या होगा। ठीक है, बी का सिग्निफिकेंस अभी नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, सी जरूर चेक करेंगे और ए चेक करेंगे कि ए क्या होता है। दैट इज, अब हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में लिखे गए हर कोफिशिएंट का सिग्निफिकेंस देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विद ए। लिखो, अब ए का सिग्निफिकेंस जानने से पहले हमें फिर से एक नोट लिखना पड़ेगा। ए बेसिकली क्या करता है कि आप जब इस पॉलिनॉमियल को ट्रेस करते हो ना, तो ट्रेस करने पर ए का बहुत बड़ा रोल होता है कि गिवन पॉलिनॉमियल को ट्रेस करते वक्त ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ की कॉन्केविटी डिसाइड करने वाला फैक्टर होता है ए, बट कैसे डिसाइड करता है उसके लिए एक स्टार मार्क करके नोट लिखेंगे। लिखिए, तो स्टार मार्क करके नोट आपको फिर से एक्सेप्ट करना है। क्या रीजन है वो सब आपके 12th का पार्ट है, मैंने वो एक्सट्रैक्ट निकाल कर आपको रिजल्ट लिखवाऊंगी मैं आपको, आप उसे याद कर लेना। ठीक है, जैसे कि आप लिखेंगे इफ, नोट लिखो, इफ d2y/dx2 इज ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल्स टू x1। d2y/dx2 तो पता है ना हमें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। हाँ, इफ d2y/dx2 इज ग्रेटर दैन 0 एट x इक्वल्स टू x1 देन द कर्व इज कॉन्केव अप, उसके आगे ब्रैकेट में बना के रख लेना। कॉन्केव अप का मतलब इस तरह का ग्राफ मिलेगा। थोड़ा बहुत रेंट आपने मेरे ख्याल से मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है ना, तो उसकी हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। देखो आपने पढ़ा है कि d2y/dx2 जब भी पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा आता है ना मिनिमा। देखो मैंने मिनिमा ही ड्रॉ किया हुआ है, तो इसका मतलब कॉन्केविटी कैसी है, अपवर्ड्स। अगर d2y/dx2 पॉजिटिव होगा तो कॉन्केविटी अपवर्ड्स होगी, सही है। एंड सिमिलरली इफ d2y/dx2 इज negative, if d2y/dx2 is negative at x = x1, then the curve is concave downwards, then the curve is concave downwards, then the curve is concave downwards। किसी को दिक्कत? तो फिर ये जो रिजल्ट है ना, इसमें बॉक्स बना के रख लो, रिजल्ट का बॉक्स बना लो। ये जनरल रिजल्ट है, वैलिड फॉर एनी डिग्री पॉलिनॉमियल। मैं इसे सेकेंड डिग्री के लिए यूज करने वाली हूँ। क्या करना होगा उसके लिए, d2y/dx2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, आपको अपने आप a का सिग्निफिकेंस पता चल जाएगा, ठीक है। करें कंटिन्यू, लिखो नाउ लेट अस फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर दिस पॉलिनॉमियल। सेकेंड ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले निकाला जाता है, बोलो क्या आएगा, 2ax+, या क्या सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, अब आप लिखोगे d2y/dx2 इज 2a, यानी कि आपको d2y/dx2 का साइन पता चला। मैंने आपको a का साइन ही नहीं दिया, यानी मेरा आंसर डिपेंड करेगा ऑन a। a का जो साइन होगा वही d2y/dx2 का भी साइन होगा। अब इतना तो पता है कि a इज नॉन जीरो, यानी या तो a पॉजिटिव होगा या a नेगेटिव। मैंने कहा चलो दो केसेस बनाते हैं। पहला केस, फर्स्ट केस मैंने लिया व्हेन a इज ग्रेटर दैन जीरो। अगर a पॉजिटिव यानी कॉन्केविटी विल बी अपवर्ड्स। क्यों कॉन्केविटी अपवर्ड्स? a के पॉजिटिव होने का मतलब है d2y/dx2 का पॉजिटिव होना, और अगर ये पॉजिटिव तो कर्व की कॉन्केविटी कैसी होती है, अपवर्ड्स होती है। तो इन दैट केस जो ग्राफ आप ट्रेस करोगे पॉलिनॉमियल का वो इस तरह का आएगा। तो इफ a इज ग्रेटर दैन जीरो देन कर्व विल बी कॉन्केव अप, ठीक है। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू कि अगर कोई क्वाड्रेटिक आपको ऐसे ड्रॉ करके दे दिया जाए ना, तो आप वहीं देख के बोला अच्छा इसमें तो कोफिशिएंट ऑफ x2 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज a विल बी ग्रेटर दैन जीरो। बोलो कोई दिक्कत? सिमिलरली मैंने कहा चलो अब a को नेगेटिव लेते हैं, बट सोचो अगर a नेगेटिव तो 2a नेगेटिव, d2y/dx2 का साइन नेगेटिव का मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। इन दिस सिचुएशन ग्राफ विल बी कॉन्केव डाउनवर्ड्स। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आई बात? तो इसका मतलब a बेसिकली क्या डिसाइड कर रहा है, इट डिसाइड्स द कॉन्केविटी ऑफ द कर्व ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो हमने ax2+bx+c में देख लिया कि अब अगर कोई मुझे a का साइन बता देगा ना, तो मैं एटलीस्ट इतना तो बता सकती हूँ कि जो भी ग्राफ बनेगा उसकी कॉन्केविटी अप होगी या कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। कोई दिक्कत? लिख लिया यहाँ तक? तो इसके नीचे लिखो this implies a decides, a का मतलब देखो this implies a is equals to the coefficient of x2, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, कहीं a शिफ्ट हो गया ना आपकी इक्वेशन में तो आप गलत ना इंटरप्रेट करना शुरू कर दें। यहाँ a का क्या मतलब है, coefficient of x2 लिखो। तो this implies a is equals to the coefficient of x2 decides, a is equals to the coefficient of x2 decides the concavity of the curve, it decides the concavity of the curve, it decides the concavity of the curve of the quadratic polynomial, it decides the concavity of the curve of quadratic polynomial। बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन किसी को? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि y आपको दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस 5। इनकेस आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा तो कॉन्केविटी कैसी होगी? कॉन्केव अप ग्राफ होगा। मैं अभी ग्राफ ड्रॉ करने को नहीं दूंगी, वो तो मैं ही सिखाऊंगी आपको आगे चलकर, बट हाँ कॉन्केविटी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि इट विल बी कॉन्केव अप। सिमिलरली अगर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिख लिया y is equals to minus x square plus x plus 1, it will be concave downwards। यानी जैसे ही x square के कोफिशिएंट का साइन पता चलता है आप वहीं दिमाग में सोचकर बैठ जाओ कि एक कर्व कॉन्केव अप होगा अगर a पॉजिटिव, अगर x square का कोफिशिएंट नेगेटिव तो कर्व विल बी कॉन्केव डाउनवर्ड्स। आप बोलो कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, जो क्वाड्रेटिक हम पढ़ रहे हैं ना, वो कौन से वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है? x में क्वाड्रेटिक है। y में कहाँ क्वाड्रेटिक है? y की डिग्री 2i कहीं, x की डिग्री 2i है, वो पूरा एक्सप्रेशन x का क्वाड्रेटिक है। तो आपके पास यही दो पॉसिबिलिटीज आती है कि या तो वो कॉन्केव अप बनेगा या कॉन्केव डाउन बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई भी कन्फ्यूजन? बढ़े आगे? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं b की तो नहीं बट c की। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कोफिशिएंट्स का सिग्निफिकेंस बताऊंगी। तो ए हमने देख लिया कि वो कॉन्केविटी डिसाइड करने वाला फैक्टर है। अब मैं सीधे सी पर जा रही हूँ। लिखो हियर सी इज इक्वल्स टू, हियर सी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट टर्म है, वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है, बट और क्या खास बात है? हियर सी इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू 0। Here c is the value of the polynomial at x equals to 0. अगर मैं x को 0 लिख दूँ तो बोलो वैल्यू कितनी आएगी? c। तो बिल्कुल सीधा साफ नज़र तो आ रहा है यहाँ पे आपके पॉलिनॉमियल में कि अगर x को 0 लिखा जाएगा तो वैल्यू कम्स आउट टू बी c। बट हाँ, इसे एज अ नोट लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम क्वेश्चंस में c को इस तरह भी हैंडल करते हैं कई बार कि आप क्या c क्या है? कुछ नहीं, उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू है एट x equals to 0। यानी इन केस मैं आपको ये कह दूं कि कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज वैल्यू इज 5 एट x इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब मुझे ये पता है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। समझ में आ रही है बात? तो c इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो जनरल फॉर्म थी ना, उसमें a हमने देख लिया और c हमने देख लिया। अब b और क्या कह सकते हैं उसे, या वो और क्या डिसाइड करता है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो इस चैप्टर में अपने आप आएगा, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? बाकी कुछ भी डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं? ठीक है, तो फिर अगली हेडिंग डालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पकड़ो एंड इक्वेट इट टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई में निकलता जाएगा, अलग अलग वैल्यूज आती रहेगी। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है? जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हो। इनफैक्ट किसी भी पॉलिनोमियल को अगर 0 से इक्वेट कर दिया जाए तो वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट किया तो इट बिकम्स क्यूबिक इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल जब 0 से इक्वेट होता है तो वो इक्वेशन बनाता है। तो चलो लिखते हैं, अ पॉलिनोमियल व्हेन इक्वेटेड टू 0, अ पॉलिनोमियल व्हेन इक्वेटेड टू 0, अ पॉलिनोमियल व्हेन इक्वेटेड टू 0 बिकम्स an equation. A polynomial when equated to 0 becomes an equation, and therefore standard appearance of a quadratic equation, and therefore standard appearance of a quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. And therefore standard appearance of a quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. मैंने क्या किया, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हम लिख रहे थे उसे उठाकर जीरो से इक्वेट कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. कंडीशन क्या होगी, a is not equals to 0 and abc belongs to real. a not equals to 0 है and all जो कोफिशिएंट्स है वो कैसे होने चाहिए, रियल. हालांकि इमेजिनरी कोफिशिएंट्स हुए तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, बट हम लोग रीड कर रहे हैं रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट्स व्हाई ऑल द कोफिशिएंट्स मस्ट बी रियल. कोई कन्फ्यूजन? ए नॉन जीरो का कॉन्सेप्ट हमें पहले से ही पता है, क्वाड्रेटिक बोल रहे हो इसीलिए ए का वैल्यू नॉन जीरो होना जरूरी है. कोई भी डाउट यहाँ तक, किसी को भी कन्फ्यूजन? नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पर आओगे. हेडिंग डालो जीरोस and roots. Heading डालो zeros and roots. ROOTS. Zeros and roots. Although ये दोनों एक ही बात है, but basic difference दोनों में क्या है वो हम लिखेंगे. बाकी सवालों में तो ये कभी भी कैसे भी यूज कर लेते हैं, ठीक है. जीरोज को रूट्स लिख दिया जाता है, रूट्स को जीरोज लिख दिया जाता है, बट क्या है बेसिक डिफरेंस वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं. करें स्टार्ट. लिख लिया सबने, कंप्लीट कर लिया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक. देखो सबसे पहले मैं जीरोस लिखवाऊंगी. जीरोस आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, जीरोस आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, जीरोस आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो. जीरोस आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स for which the polynomial becomes zero. Polynomial becomes zero का मतलब समझ गए कि पूरे expression की value कितनी आ जाएगी, zero. For example, if the polynomial is y is equals to x square minus 5x plus 6, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर x की कौन कौन सी values ऐसी है जिसके लिए zero बन जाएगा? 2 and 3. देखो ये फैक्टराइज तो किया ही जा सकता है. अगर आप इसे फैक्टराइज करते हो तो ये लिखा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यही लिखोगे. x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 में x की वैल्यू 2 रखेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन 0, 3 रखेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन 0. यानी क्या मैं कह दूँ कि फॉर दिस पॉलिनॉमियल जीरोज आर 2 and 3. लिख लो फॉर एग्जाम्पल जीरो पॉलिनॉमियल आर 2 and 3. इस पॉलिनॉमियल के जीरोस 2 and 3 आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल आर 2 and 3. क्या इसमें कोई दिक्कत, किसी को भी कन्फ्यूजन या डाउट तो नहीं है? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो फिर लिखो रूट्स. अब मैं आपको रूट्स लिखवाती हूँ. रूट्स क्या होते हैं? हाँ, क्या होते हैं? हाँ, मतलब कि मैं इसे इस तरह कह दूँ, रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच सैटिस्फाइज द इक्वेशन. जो इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे वो रूट्स कहे जाते हैं. लिखो रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच सैटिस्फाइज द इक्वेशन. रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच सैटिस्फाइज the equation. For example, x square minus 5x plus 6 equals to 0. For example, x square minus 5x plus 6 equals to 0. क्या आप मुझे इसके रूट्स बताओगे? इसके रूट्स आर 2 and 3. क्या इसमें दिक्कत है किसी को? कोई कन्फ्यूजन? सही है, इसके रूट्स 2 and 3. तो फॉर दिस इक्वेशन रूट्स आर 2 and 3 एंड फॉर दिस पॉलिनॉमियल जीरोज आर 2 and 3. क्या ये इक्वेशन इसी पॉलिनॉमियल की कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी हुई है? देखो मैंने इस पॉलिनॉमियल को जीरो से इक्वेट कर रखा है, तो इस एग्जाम्पल से एक चीज़ तो क्लियर है कि किसी भी पॉलिनॉमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं ना वो हमेशा अपनी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के रूट्स होते हैं। आप दोनों में एक ही चीज़ तो सॉल्व कर रहे हो। इक्वेशन का मतलब इक्वेशन को सैटिस्फाई एक्स, यानी वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए ये ज़ीरो बन जाएगा, और ज़ीरोज़ के लिए मैंने क्या कहा, एक्स की वो वैल्यूज़ जो इसे ज़ीरो बना देंगी। तो वन एंड द सेम थिंग, बस ज़ीरोज़ जब मैं यूज़ कर रही हूँ मैं पॉलिनॉमियल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, और रूट्स का मतलब होगा हम लोग बात कर रहे हैं मतलब इक्वेशन के। जीरोज होते हैं पॉलिनॉमियल के और रूट्स बोला जाता है फॉर इक्वेशन। बस टर्म इस तरह यूटिलाइज की जाती है। बाकी अगर एग्जाम में ये लिखा हुआ आ जाए कि जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल आर 2 and 3, तो अब आप उसे बैठकर करेक्शन करने नहीं बैठेंगे। जीरोज का मतलब आपको समझ में आ गया है कि वो रूट्स की ही बात कर रहे हैं, आप अपना सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जीरोज का मतलब यही होता है कि आप पॉलिनॉमियल की बात करोगे, एंड रूट्स का मतलब होता है कि हम इक्वेशन की बात करेंगे। बट आजकल इंटरचेंज होकर वो कैसे भी सवाल में यूज़ करते हैं, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेगी। बेसिक डिफरेंस सिर्फ पॉलिनॉमियल एंड इक्वेशन का है, बाकी वैल्यूज तो दोनों मुझे एक ही देंगे। किसी को कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, स्टामक करके इसी में नोट लिखो। एक स्टामक करोगे और एक नोट लिखोगे। लिखे तो स्टामक करके नोट हम ये लिख रहे हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल आर द रूट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल आर द रूट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। Zeros of a polynomial are the roots of its corresponding equation. ये बात क्लियर है ना। वो अभी हमने नोट डाउन किया है, यहीं पर चेक भी किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो जीरोज आए वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के रूट्स आ रहे थे, ठीक है। तो ये नोट भी स्पेशली याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं आगे सवाल करवाऊंगी तो इस नोट को यूज़ कर रही हूँ, तो उस वक्त मैं वापस नहीं याद दिलाऊंगी कि देखो ऐसा सेम आपके पास जो रिजल्ट इसका आ रहा है वही रूट्स बनकर इस इक्वेशन के आ जाएंगे। तो आप अब ध्यान रखोगे। स्टेटमेंट मैं क्वाड्रेटिक कहीं नहीं यूज़ किया ना, तो इसका मतलब दिस इज ट्रू फॉर एनी पॉलिनॉमियल। किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरोज उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के रूट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है आता, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे ख्याल से सबको सॉल्व करना आता है क्वाड्रेटिक, आता है ना। हेडिंग डालेंगे सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इसे रब कर दूं, मिटा दें, कुछ नहीं पूछना ना किसी को भी, ठीक। लिखो कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखेंगे कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसिडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन y is equals to ax square plus bx plus c equals to 0, where a is not equals to 0 and abc belongs to R. Consider quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, a non-zero है और all coefficients are real, ठीक है। Now if x1 and x2 are the roots of this equation, x1 and x2 are the roots of this equation. If x1 and x2 are the roots of this equation, then x1 comma x2 is given by, यानी x1 comma x2 is equals to, रूट्स निकाल सकते हैं हम। रूट्स क्या होते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास होते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट के अंदर लिखा हुआ है इसे क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, एक बार बोलोगे तो भी मुझे समझ में आ जाएगा। इट इज डिस्क्रिमिनेंट। लिखिए वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac is equals to capital D is equals to discriminant। दिस इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यहां डी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यही तो है जो रियल और इमेजिनरी रूट में डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है। इसी की वैल्यू डिसाइड करती है कि वेदर द रूट्स आर रियल और इमेजिनरी, ठीक है। तो डी इज द डिस्क्रिमिनेंट। और आपको मेरे ख्याल से ये भी पता है कि डी की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होगी तो रूट्स का नेचर क्या होगा, पहचान सकते हैं हम? चलो तो फिर लिखते हैं। कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ तक? फार्मूले का डेरिवेशन आप लोग 9th-10th में पढ़कर आए हो, तो हम फार्मूला डेरिवेशन पर तो नहीं जाएंगे, बट इन केस फिर भी किसी को दिक्कत हो तो आप जस्ट क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बढ़िया, भी आगे किसी को और तो दिक्कत नहीं है? बढ़िया, फिर आगे देखिए। अब मैं कुछ नोट्स आपको लिखवाऊंगी, तो हेडिंग डाल दो। नोट्स वही होंगे कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल टू जीरो होगा तो रूट्स कैसे हैं, एंड सो ऑन। लिखिए, हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स और लिखोगे पहला पॉइंट। अच्छा बताओ, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जीरो देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। देखो, दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अगर डी पॉजिटिव तो रूट्स रियल डिफरेंट होते हैं, ये तो आप बहुत टाइम से पढ़ते आए हो, पढ़ रहे हो ना। तो डी ग्रेटर दैन जीरो का मतलब रूट्स रियल और डिफरेंट आएंगे। सेकेंड पॉइंट, डी जीरो, रूट्स आर रियल एंड सेम, आइडेंटिकल रूट्स है ना, कोइंसिडेंट रूट्स। रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट या आइडेंटिकल या सेम या इक्वल, ठीक है। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, सब स्टेटमेंट का कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड, अगर डी नेगेटिव हो जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी, इन दिस केस रूट्स आर इमेजिनरी, इन दिस केस रूट्स आर इमेजिनरी। डी नेगेटिव यानी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव यानी आयोटा का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो रूट्स इमेजिनरी आएंगे, इन दिस केस रूट्स आर इमेजिनरी। डी पॉजिटिव पर रियल डिफरेंट, डी जीरो पर आइडेंटिकल। तो ये तीनों पॉइंट्स तो आपने काफ़ी टाइम से पढ़ रखे हैं, वही चीज़ हमने नोट डाउन कर ली। बट इसी के साथ अब मैं आपको 3 और नोट्स लिखवाऊंगी जो आगे कंटिन्यू होंगे, ठीक है। वो हमारे लिए नए हैं, इसलिए उन तीनों नोट्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अलॉन्ग विद कंडीशन। जैसे ये भी जो कंडीशंस लिख रहे हो ना, इसके लिए ये वाली कंडीशन दैट इज एबीसी का रियल होना बहुत ज़रूरी है। अगर एबीसी रियल नहीं है तो फिर इन कंडीशन से आप कुछ नहीं इंटरप्रेट कर पाओगे। तो रूट्स तो हमेशा ही मिल जाते हैं, बट फॉर डी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो जो हमने रिजल्ट्स लिख रखे हैं वो सिर्फ तभी वैलिड होते हैं जब कोफिशिएंट्स आर रियल। कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, अब लिखो फोर्थ पॉइंट। अब लिखोगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपके पास है, इफ ABC belongs to rational, if ABC belongs to rational, rational numbers हम सबको पता है, तो मैंने real का भी particular case लिया है कि ठीक है real number तो सही है, बट real में भी कैसे answers चाहिए आपको? rational। तो rational को underline करो, if ABC belongs to rational then roots of the equation will be rational, then roots of the equation be rational, then roots of the equation will be rational if and only if। if and only if कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पूरा if and only if। इंग्लिश का टेस्ट पेपर नहीं चल रहा है या इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, मैथ्स में सिंबॉलिक फॉर्म इफ एंड ओनली एफ को IFF लिखते हैं, ठीक है। तो IFF इफ एंड ओनली एफ। तो इफ ABC बिलोंग्स टू रैशनल then roots of the equation will be rational if and only if D is a perfect square if and only if D is a perfect square। अगर D एक perfect square है तो इन दैट केस रूट्स कैसे आएंगे? रैशनल आएंगे, बट रटना नहीं है, रटेंगे मगर पहले समझेंगे, एक बार क्रिटिकली चेक करते हैं मैंने सही लिखा कि नहीं, फिर रट लेंगे। ठीक है, मैंने क्या लिखवाया आपको कि अगर ए बी सी ऑल आर रैशनल, ये सब रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो रूट्स रैशनल आएंगे अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैंने कहा रूट्स रैशनल चाहिए ना, तो बी रैशनल ए रैशनल, मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, बट दिक्कत स्क्वायर रूट टर्म से है। अगर स्क्वायर रूट रह गया तो आंसर दैट इज रूट्स रैशनल नहीं आएंगे, रूट वाली टर्म रैशनल थोड़ी ना होती। तो आप यही चाहते हो ना कि स्क्वायर रूट गायब करने का सीधा तरीका ये है कि इसके अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन दैट इज डी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट गायब, बाकी सब रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसका रिजल्टेंट आंसर जो भी आएगा वो कैसा होगा, रैशनल होगा। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज अगर कोई आपको कहता है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल, तो आप दो चीजें इंटरप्रेट कर लोगे। पहली बात आप कहोगे अच्छा डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर मैंने कहा रूट्स रैशनल है तो आप इमीडिएटली यही सोचोगे कि आपके पास जो इक्वेशन दी गई है उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर, और साथ में कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक? तो मैंने आपको नोट लिखवा दिया है कि इफ ए बी सी आर रैशनल देन रूट्स विल बी रैशनल इफ एंड ओनली इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बोलो कोई दिक्कत? नोट समझ में आ गया? चेक कर लिया हमने कि हाँ भाई रूट्स रैशनल ही आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद कर लो, याद इसलिए क्योंकि अब मैं पूछूंगी आपको, मैं पूछूंगी बताओ क्या कंडीशन है कि रूट्स आर रैशनल, तो आप मुझे बोलोगे एक तो कोफिशिएंट्स रैशनल होने चाहिए और साथ में डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस बतानी है। सिर्फ डी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये नहीं निकलता है कि रूट्स विल बी रैशनल। किसी को कन्फ्यूजन, कोई डाउट है यहाँ तक? अगला पॉइंट, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट ही तो नेगेटिव आ रहा होगा। डी के रैशनल होने से तो मतलब ही नहीं है ना, डी का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है जो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब बढ़े आगे। देखो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल, अगला पॉइंट फिर से ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल, फिर रैशनल को अंडरलाइन करके रखना। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल then irrational roots occur in pair of conjugates. Then irrational roots occur in pair of conjugates. If ABC belongs to rational, then irrational roots occur in pair of conjugates. Then irrational roots occur in pair of conjugates. कोई दिक्कत? देखो that is if one of the roots is p plus root q, that is if one of the roots is p plus root over q, then another root will be p minus root over q. That is if one root is p plus root q, then another root will be p minus root over q. अब इसे भी पूरा चेक करेंगे तभी याद करेंगे। अभी तो मैंने आपको ये लिखवाया है कि अगर कोफिशिएंट्स रैशनल होते हैं ना और फिर भी आपके पास रूट्स रियल आ रहे हैं और इरैशनल रूट्स आ रहे हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब एक रूट हमेशा p प्लस रूट q होगा और सेकेंड रूट हमेशा p माइनस रूट ओवर q होगा। अब चेक करते हैं, पहले करें चेक, वापस चलते हैं, रूट्स कहाँ गए? ये रहे। ए बी सी अभी भी रैशनल, अब डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तभी इरैशनल रूट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। तो देखो रूट्स कैसे होंगे, एक रूट होगा माइनस बी बाय टू ए प्लस रूट ओवर डी, दूसरा आंसर माइनस बी बाय टू ए माइनस रूट ओवर डी। यानी जो इरैशनल बनाने वाला फैक्टर है, जो टर्म है, वो यही तो है ना। तो अगर इरैशनल रूट्स आए तो उसमें फर्स्ट टर्म तो एज इट इज मैच करेगी, दोनों का फर्स्ट टर्म p आ गया, मगर सेकेंड टर्म में एक में प्लस साइन आएगा और एक में नेगेटिव साइन, यानी जो भी रूट आएगा उसमें रूट वाली होगी ना, सिर्फ उसी में साइन का डिफरेंस आ रहा होगा। दोनों रूट्स आइडेंटिकल फॉर्म में होंगे बट आपके पास एक तरफ प्लस साइन आ रहा होगा और एक रूट में माइनस साइन, और वो भी साइन किसका बदला हुआ होगा, इर्रेशनल पार्ट का। दैट इज अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू तो अनदर विल बी p माइनस रूट ओवर क्यू। आ जाता है ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। कॉन्जुगेट का मतलब आप जो इर्रेशनल पार्ट होता है उसका साइन बदल कर लिख देते हो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाकर लिखोगे और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? क्या हमें ये समझ में आ गया कि अगर ABC रैशनल है, D पॉजिटिव और साथ में परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो हमेशा इर्रेशनल रूट्स का कॉन्जुगेट पेयर में आना जरूरी होगा। कन्फ्यूजन? किसी को भी दिक्कत? पक्का कोई डाउट नहीं है? यानी इन केस मैं आपको ये कह देती हूँ कि एक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स रैशनल हैं और उसका एक रूट रूट 2 माइनस 1 है, तो क्या आप मुझे उसका सेकेंड रूट लिखवा सकते हो? उसका सेकेंड रूट क्या होगा? माइनस रूट 2 माइनस 1। कभी भी कॉन्जुगेट निकालने के लिए आंखें बंद करके नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बनाना होता है, आपको हमेशा क्या करना होता है, इर्रेशनल पार्ट का साइन बदलना होता है। जो रैशनल पार्ट है उसे मत छेड़ो बट जो इर्रेशनल पार्ट है आप उसका साइन बदल दोगे, ठीक है? यानी क्या लिखोगे आप? इसे इस तरह लिखोगे, दिस विल बी माइनस रूट ओवर 2 माइनस 1। इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करके रखो क्योंकि आप एग्जाम में यही गलती करके आने वाले हो जो अभी मुझे बोल रहे थे। रूट 2 माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या लिखोगे? माइनस रूट 2 माइनस 1। समझ में आ गई बात? रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1 का कॉन्जुगेट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल रूट 2 माइनस 1 का कॉन्जुगेट कौन है? माइनस ऑफ रूट 2 माइनस 1। कैसे लिखेंगे कॉन्जुगेट? समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? तो मतलब मैं जब सवाल दूंगी तो अगर यही मिस्टेक मुझे नजर आई तो यहाँ पे एक चेयर लगाएंगे और उस पर आप मुर्गा भरेंगे, ठीक है? तो किसी को दिक्कत है कॉन्जुगेट लिखने में? कॉन्जुगेट लिखने के लिए रूट वाला जो टर्म होगा ना सिर्फ उसका साइन बदलोगे, ठीक है? यानी अगर मैं आपसे पूछ लेती हूँ रूट 3 प्लस 5 का कॉन्जुगेट बताओ। माइनस रूट 3 प्लस 5, इसका साइन नहीं बदल देना कि इसे भी माइनस बना दिया, ये एज इट इज रहेगा। किसका साइन बदलोगे? सिर्फ इर्रेशनल पार्ट का। किसी को कन्फ्यूजन प्रॉब्लम है? दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको 2 एडिशनल नोट्स लिखवाए जिसमें एक आपके पास क्या आया, रैशनल रूट्स की कंडीशन, और दूसरा हमने देखा कि अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स आपको रैशनल दे देती हूँ और साथ में कहती हूँ ये लो इसका एक रूट है रूट 2 प्लस 1, तो फिर आप उस इक्वेशन का दूसरा रूट अपने आप लिख सकते हो और वो लिखोगे उसका कॉन्जुगेट। किसी को भी दिक्कत? ठीक है, अगला पॉइंट लास्ट पॉइंट लिखेंगे लास्ट पॉइंट। हाँ बोल, दोनों रूट में होते हैं तो मतलब रूट तो ये वो तो तभी आ सकता है ना जब b 0 होगा। दोनों आंसर रूट में तभी आ सकता है जब b 0, तो भी प्लस माइनस, तो भी सेम है नोट, मतलब नोट तो तब भी चेंज नहीं होगा। हाँ भाई बताओ, किसी को दिक्कत? बढ़े आगे तो 6th पॉइंट अब आप लिख रहे हो। 6th पॉइंट में लिखो, इफ ABC बिलोंग्स टू R रियल। अब रैशनल की जरूरत नहीं है, अब रियल चलेगा। इफ ABC बिलोंग्स टू R देन इमेजिनरी रूट्स अकर इन पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स। इफ ABC बिलोंग्स टू R then imaginary roots occur in pair of conjugates. If ABC belongs to R, then imaginary roots occur in pair of conjugates. That is, if one root is P plus iota Q, that is, if one root is P plus iota Q, then another root will be P minus iota Q. If one root is P plus iota Q, then another root will be P minus iota Q. ठीक है, इन्हें कहा जाता है कॉन्जुगेट। यानी आप कॉन्जुगेट कैसे लिखोगे, इमेजिनरी रूट्स का कि जो आयोटा वाली टर्म होगी ना, आप उसका साइन बदल देना। पी माइनस आयोटा क्यू का कॉन्जुगेट होगा पी प्लस आयोटा क्यू, और ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट है पी माइनस आयोटा क्यू। मैंने पूछा बताओ 5 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 प्लस आयोटा। आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करो। मैंने कहा 3 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट बोलो। तो कभी भी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रियल दे दिए जाए और साथ में ये बोल दिया जाए कि भाई इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और साथ में एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा आ रहा है, तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, इसका सेकेंड रूट क्या आएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। आसानी से आप उसका सेकेंड रूट लिख सकते हैं। किसी को कन्फ्यूजन प्रॉब्लम यहाँ तक क्रिटिकली चेक कर सकते हैं वापस। आयोटा की टर्म क्यों आएगी, बिल्कुल रूट के कारण। रूट के अंदर नेगेटिव टर्म थी इसीलिए आयोटा का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो जो आयोटा वाली टर्म होगी ना उसमें एक रूट में प्लस साइन आ रहा होगा और एक रूट में माइनस, बाकी तो वही की वही टर्म्स लिखी हुई आएंगी। तो एज इट इज वही टर्म्स, बट बिकॉज ऑफ रूट ओवर डी, डी नेगेटिव है, तो आयोटा वाली टर्म में एक आंसर में पॉजिटिव आंसर आएगा और एक में नेगेटिव। किसी को कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है आता, पक्का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो सवाल शुरू करें उससे पहले मैं एक लास्ट पॉइंट और आपको लिखवाऊंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है। हमें आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखना, क्या होता है, और सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो मतलब फॉर्मेलिटी एक बार लिख लेते हैं उसे, फिर आप सवाल सॉल्व करके बताओ। हेरिंग डालोगे, यहाँ तक सबने लिख लिया लास्ट पॉइंट तक, किसी को दिक्कत तो नहीं है? अभी सोच लो, दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो अगले टर्न पर तो मेरा टर्न होता है, मैं पूछूंगी अगले टर्न पर। तो आयोटा का इमेजिनरी रूट है, ठीक है, क्योंकि रैशनल तो बोल ही नहीं सकते अब आप उसे। आयोटा जैसे ही आ गया तो अब आप उसे रैशनल नहीं बोलोगे, अब आप इमेजिनरी बोलोगे, ठीक है। बढ़े आगे चलिए, तो हेडिंग डाल रहे हैं आप, हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। relation between roots and the coefficients of quadratic equation, relation between roots and the coefficients of quadratic equation. Can I start? देखो, consider the equation ax square plus bx plus c equals to 0, abc belonging to r and a is not equals to 0. बोलो ठीक है। If x1 and x2 be the two roots of this equation, if x1 and x2 be the two roots of this equation, अगर इस equation के दो roots x1 और x2 लिए गए हैं, then sum of the roots x1 plus x2 will be minus b by a. Then sum of the roots x1 plus x2 will be, sum of the roots को लिख दो capital S, is equals to x1 plus x2 and this is equals to minus b upon a. बोलो कोई दिक्कत? Similarly, product of the roots x1 and to x2 will be c by a. प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए आता है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए आता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दैट इज, अगर मैंने इक्वेशन दे दी ना तो आप सीधे उस इक्वेशन से रूट्स का सम लिख सकते हो, रूट्स का प्रोडक्ट लिख सकते हो। इंडिविजुअल रूट्स तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं, वो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a से, बट अगर रूट्स इंडिविजुअली नॉट रिक्वायर्ड है तो सम एंड प्रोडक्ट तो हम सीधे इक्वेशन से ही लिख लेंगे। कोई भी डाउट? Conversely लिखो, conversely a quadratic equation, conversely a quadratic equation whose roots are x1 and x2 Conversely, a quadratic equation whose roots are x1 and x2 can be written as x minus x1 multiplied by x minus x2 equals to 0. Conversely, a quadratic equation whose roots are x1 and x2 can be written as x minus x1 into x minus x2 equals to 0. आप प्रोडक्ट ले सकते हो इनका, लिखो दैट इज, अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेती हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन बनती है ना, सही है. इसे क्या लिखोगे, सम ऑफ द रूट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 0. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 0. इसे बॉक्स में डालो. दैट इज, अब अगर मैं कभी भी आपको ये कहती हूँ ना, चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स x1 x2 है, आप सीधे इस फॉर्म को यूज करोगे. ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट जहाँ टाइम सेव कर सकते हैं ज़रूर करेंगे. आप सीधे इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 0. कोई भी कन्फ्यूजन? बट ये जो हमने लिखा है ना, ये इक्वेशन लिखी है. कहीं अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि बताइए कितने पॉलिनोमियल्स हैं जिसके जीरोज x1 एंड x2 आ रहे हैं, कितने पॉलिनोमियल लिख सकते हो जिसके जीरोज x1 और x2 या 1 एंड 2 आ रहे हैं? कितने पॉलिनोमियल्स होंगे, कौन कौन से दो? जिसका डिग्री 2 तो होना ही है, क्वाड्रेटिक लिखना है तो. और देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी पॉलिनोमियल्स विथ सेम जीरोज 1 एंड 2. अभी देखते हैं, रुको. एक मैंने लिख लिया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, है ना पॉलिनोमियल. सेकेंड पॉलिनोमियल मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. क्या ये दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं? बिल्कुल डिफरेंट है. ये ट्वाइस आ रहा है, ये सिंगल टर्म थी, ये ट्वाइस आ रहा है इसका. तीसरा पॉलिनोमियल 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. हो गए 3 पॉलिनोमियल्स. तो अब आप कितने लिख सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी. 3 एग्जाम्पल्स तो मैंने लिख दिए, अभी 1 2 3 करके लिखा है. आप 2.5, 2.9, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, यानी सेम जीरोज के साथ देर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉलिनोमियल्स बट ओनली वन इक्वेशन. इक्वेशन तो एक ही आएगी. सोचो मैं इसे जीरो से इक्वेट कर देती हूँ तो 3 तो वैसे ही जीरो के पास चला जाएगा. अल्टीमेटली इक्वेशन तो हमेशा ही बनने वाली है, बट पॉलिनोमियल की बात करें तो देर विल बी इनफाइनाइटली मेनी. तो इसलिए स्टार मार्क करके लिखो. स्टार मार्क करके लिखेंगे a polynomial whose zeros are x1 and x2, a polynomial whose zeros are x1 and x2 can be taken as y is equals to एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. तो ठीक है, ये तो फॉर्म सही है, ये तो लिया ही जाएगा, बट ये सिर्फ इक्वेशन के लिए वैलिड है. ये आंसर लिखा तो इनफाइनाइट में से एक आंसर दिया हुआ है, और इनफाइनाइट में से एक आंसर का मतलब नंबर भी कितने मिलने चाहिए, 1/इनफाइनाइट, दैट इज 0 आंसर मिलेगा. पॉलिनोमियल के केस में अगर ये फॉर्म आंसर देते हो तो 0 आंसर. इसीलिए इसके साथ एक कॉन्स्टेंट के अटैच करोगे, यानी के को मल्टीप्लाई करके लिखोगे. ठीक है. अब ये के जो है ना, ये कह रहा है ठीक है आप के को एनी रियल नंबर अदर देन 0 रख लो. 0 तो ले नहीं सकते ना, फिर तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा. तो एनी रियल अदर देन 0 उठाओ, ये हमेशा क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इनफाइनाइट. ये मैंने अगर वो चाहते हैं कि के की वैल्यू भी पता चले तो वो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेंगे चलो एक मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखो। अगर मैंने कह दिया मुझे मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखना है तो इन दैट केस k की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन लिखनी है तो रूट सफिशिएंट है, बट पॉलिनॉमियल के लिए सिर्फ जीरो से काम नहीं चलता है, उन्हें एक और एडिशनल वैल्यू बतानी पड़ेगी सो दैट हम k लिख पाएँ। तो इसे ज़रूर याद रखना कि कभी भी पॉलिनॉमियल लिखना पड़े तो आप एक कॉन्स्टेंट k ज़रूर लिखोगे। इक्वेशन के लिए उठाकर ये वाली फॉर्म सीधे आंसर कर दी जाएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? बस यहाँ तक अच्छे से पढ़कर आइए, अगले टर्न पर हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे।